सभी मीडिया के मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उसने हमको दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले मैं ये साफ कर दूं, ये एक सामाजिक संगठन है और बिहार के सबको साथ लेकर के आधुनिक बिहार की कल्पना को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये निश्चय लिया है। ये जो संस्था है दोस्तों, इसकी जो नींव है, मैं काफी वर्षों से इस पर काम कर रहा था। ये कोई एक दिन की सोच नहीं है जो आपको दिख रही है। कार्यकारी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए और आज हम लोग ने इतना बड़ा कदम लेने का हम लोग ने कोशिश की है। जब मैं छोटा था और जब मैं बिहार में बड़ा हो रहा था, तो बिहार की उस समय की जो जिंदगी थी, तब की जिंदगी में और अब की जिंदगी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। दुनिया का लाइफ टाइम बहुत चेंज कर गया है। बदलाव की जो नींव देखी है पूरे विश्व में, शायद बिहार उससे अभी थोड़ा पीछे है, ज्यादा नहीं थोड़ा पीछे। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है और जिस प्रकार से आज का युवा पीढ़ी इतना एस्पिरेशनल हो गया है, और बिहार का युवा पीढ़ी जो जॉब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, आपको जितने भी जो नया आयाम है, न्यू थिंग्स लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइक स्केलेबिलिटी, इन सब चीजों पे काम करने के लिए मेरा ये बहुत समय से इच्छा थी कि बिहार का जो युवा है और बिहार के जो आम नागरिक हैं, वो सेल्फ रिस्पेक्टिंग और सेल्फ सफिशिएंट बने। इसीलिए हमने नाम दिया नव बिहार चेतना, नए बिहार की चेतना, स्वावलंबी बिहार, स्वाभिमानी बिहार। तो बिहार को जो स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाने की जो हमारी सोच है, उसकी ये एक प्रथम श्रेणी में, एक प्रथम पंक्ति में एक संस्था को हमने खड़े करने की कोशिश की है। मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं चर्चा करूं, मैं आपको जो हमारे मंच के विराजमान लोग हैं उन सबका मैं आपको एक छोटा सा परिचय दे देता हूं।